हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुशील एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू कंसंट्रेशन मेथड्स फॉर 11th केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट। नाउ लेट्स बिगिन विद अवर लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड मोलैरिटी, परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड टुडे वी विल डिस्कस मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी है क्या, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी बेसिकली एक रेशो है, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ। मोलैलिटी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किलोग्राम्स में। सिंबॉलिकली अगर बात करें तो मोलैलिटी जो कि है स्मॉल m, उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी से अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है तो हम लेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी बाय एम बी गिव्स यू एन बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी ले सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर ये ग्राम्स में हो, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में हो तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। ये है मोलैलिटी। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट घुले हैं वो है मोलैलिटी। इसकी यूनिट जो होगी वो बनेगी मोल पर केजी। मोल पर केजी जिसको हम सिंपली स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। x से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोलों का रेशियो। अगर आपको ये कहा गया एक्स बी बताइए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो
तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम दिखाते हैं एन बी से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एन बी से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दोनों मिलकर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं, ये होगा एक्स बी। सिमिलरली हम एक्स ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो भी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और अब हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि इन दोनों का सम वन होता है, अगर हम इन्हें अल्जेब्रिकली जोड़कर भी देखें तो भी वो वन के इक्वल आएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू वन। एक्स ए और एक्स बी हमेशा वन के इक्वल होते हैं। अगर हमें यहां से एक्स ए निकालना है और हमें एक्स बी गिवन है तो वो हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। एंड सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड आउट एक्स बी एंड एक्स ए इज गिवन देन वी कैन सब्ट्रैक्ट एक्स ए फ्रॉम वन, दिस विल बी द एक्स बी। सो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल्स का रेशियो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं उनके साथ। और ये जस्ट एक फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हमारा आज का अगला टॉपिक है PPM, पार्ट्स पर मिलियन, PPM, PPM stands for parts per million। ये क्या कहता है, अगर आपको कोई ये कहे कि PPM of B बताइए तो वो होगा मास ऑफ बी डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में पर मिलियन मीन्स 10^6। सेम परसेंटेज जैसा ही है, अगर हमें परसेंटेज ऑफ बी निकालना होता तो हम मास ऑफ बी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लेते, वो परसेंट था हर 100 पर इस बार बोला गया है पर मिलियन, हर मिलियन पर हमें चेकआउट करना है, इसीलिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया 10^6 से।
ये मेथड कंसंट्रेशन को मेजर करने का कब यूज किया जाता है? जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कॉजिंग गैस सल्फर का डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है उसे जज करने के लिए हम पीपीएम मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, पानी में मेटल्स के अमाउंट को जज करना है, कॉपर कितना है, कोई बाकी आयरन कितना है, तो वो पीपीएम में देखा जाता है. इम्प्योरिटीज कितनी है पीपीएम में देखी जाएंगी. ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये यूज किया जाता है. इसकी डेफिनेशन बनती है, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर मिलियन पार्ट्स मास ऑफ द सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर मिलियन पार्ट्स मास ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के एक मिलियन पार्ट्स बाय मास में कितना पार्ट्स बाय मास सॉल्यूट प्रेजेंट है वो होगा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट. ये हमारे कुछ मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के. इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास. थैंक यू.